आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब ये तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स होता है कि जब हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे उतने क्या होंगे, दोनों बराबर होते हैं, सब जानते हैं। इसके पास भी पॉजिटिव आयन नेगेटिव, जितने अगर 10 है तो 10 नेगेटिव होंगे और 10 पॉजिटिव। मेरा हाथ में भी क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होंगे, वो अलग बात है, कम और ज्यादा वाली बात अलग है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैं गुब्बारे पे, मान ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं जब कोई रब करता हूँ, कोई भी संस्कृति जैसे बिल्ली का खाल वाला बताए थे कि अगर बिल्ली का खाल हो या फिर कोई ऐसा संस्कृति जैसा हो, उससे क्या किए रगड़े हम, तो क्या होगा, ये क्या होगा अगर इसको बार बार, इसमें से नेगेटिव चार्ज उठकर किसमें चला जाएगा, इसमें गुब्बारे में क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रही क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव कम है, इसमें नेगेटिव ज्यादा। सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को और अलग, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ये नेगेटिव है मेरा पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या देखो अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जादू कर रहा हूं मैं, हटा दिया, और जैसे मैं हाथ ले जाऊंगा, देखिए मेरे हाथ की ओर आ रहा है, दिख रहा है, और मैं कहूँ कि जादू हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे देखो देखो मेरे पास आ रहा है, आप भी खींचेंगे आपके पास भी जाएगा, ये भी खींच रहा है इनके पास भी जा रहा है, दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, है? यानी कि हम समझ गए हैं कि यानी क्या करता है, इसके पास निगेटिव है और मेरे हाथ में क्या है, क्योंकि मेरे हाथ में पॉजिटिव कम है, इसलिए क्या कर रहा है, मेरे हाथ की क्या कर रहा है, कि जैसे ये बच्चा है, ये बच्चे का हाथ जाएगा, देखो इसके बच्चे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, देखो खींच रहा है, खींचा नहीं खींच रहा है, बताओ जी खींच रहा है, देखो खींच रहा है।